नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। आपको बता दें कि बीते दिन के पाठक ने एक नया निर्देश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि राज्य के 71,863 प्रारंभिक विद्यालयों को के पाठक ने एक नया निर्देश जारी किया है और साफ साफ कह दिया है कि राज्य के 71,863 प्रारंभिक स्कूलों में मिशन दक्षता की दिसंबर महीने से शुरुआत हो जाएगी। आपको बता दें कि इसके तहत 25 लाख से ज्यादा बच्चों को अव्वल बनाने का लक्ष्य भी होगा और इसकी परीक्षा जो है वो अप्रैल महीने में ले ली जाएगी। देखिए, आपको बता दें कि इस परीक्षा में जो भी बच्चे फेल हो जाएंगे तो उसके बाद शिक्षकों पर और प्रधानाध्यापकों पर के पाठक का डंडा भी चलेगा, यानी कि शिक्षकों पर और प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई की बात भी कही गई है। अब पूरा मामला क्या है, तफसील के साथ आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। मिशन दक्षता योजना के सफल क्रियान्वयन और उसका अनुश्रवण के लिए विद्यालय स्तर पर सेल गठित कर दिया गया है। जैसा कि के पाठक ने अपने निर्देश में सभी जिला अधिकारी से कहा है कि जब से विद्यालय अनुश्रवण प्रणाली स्थापित की है तब से दो बातें सुनिश्चित की जा रही हैं कि विद्यालय में शिक्षक नियमित आ रहे हैं और छात्रों की उपस्थिति में भी वृद्धि हो रही है। आपको बता दें कि के पाठक के निर्देश में साफ साफ कहा गया है कि विद्यालयों में सतत निगरानी से न केवल शैक्षणिक व्यवस्था बदली है बल्कि ये बात भी सामने आई है कि हर विद्यालय के प्रत्येक कक्षा में कुछ ऐसे छात्र हैं जो पढ़ाई में बेहद कमजोर हैं और ये बातें स्वाभाविक भी हैं। देखिए, साफ साफ कहा गया है कि इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग ने ये तय किया है कि ऐसे कमजोर छात्रों के लिए मिशन दक्ष प्रारंभ किया जाएगा जो कि 1 दिसंबर से लगातार चलेगा। मिशन दक्ष के तहत ऐसे छात्रों को चिन्हित करने के बाद सभी प्रारंभिक विद्यालयों में विद्यालय गतिविधि समाप्त होने के बाद अथवा भोजन अवकाश के बाद इन छात्रों की विशेष कक्षाएं चलाई जाएंगी। संबंधित विषय के अध्यापक उन्हें पढ़ाएंगे और ऐसे बच्चों को झुंड में नहीं पढ़ाया जाएगा। इसीलिए एक शिक्षक 5 से अधिक बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे और इसके लिए हर शिक्षक 5 बच्चों को अडॉप्ट करेंगे और उन्हें योग बनाएंगे। यानी कि अब के पाठक ने एक नया निर्देश जारी कर दिया है। मिशन दक्षता की 1 दिसंबर से शुरुआत हो जाएगी और आपको मालूम है कि अप्रैल महीने में परीक्षा भी ली जाएगी बच्चों की और अगर बच्चे इस परीक्षा में फेल होते हैं तब शिक्षकों पर कार्रवाई भी होगी। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।